book center. Yes. ये राकेश सावंत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है. उसने मुझे फ़ोन किया कि एजाज भाई आपके साथ मैं दो म्यूज़िक वीडियो यानी कि दो फिल्में पूरे म्यूज़िक वीडियो में आपको फिल्म देखेगा कि उसने अपने डायरेक्शन में फिल्म दिखाया हुआ है. और म्यूज़िक वीडियो करने का एक अलग मज़ा है कि पूरे एक ही 5 मिनट के सॉन्ग में आपको पूरा अपना जो भी आपका इमोशंस है सातों इमोशंस आपको दिखाने. और शूट भी बहुत अच्छी तरह से किया उसने, बहुत खर्चा किया है म्यूज़िक वीडियो में. कुमार शानू ने बहुत अच्छा गाया है. मैंने एक्टिंग कैसी की आप खुद देख के बताना. और डायरेक्शन भी अच्छा हुआ है. आई एम इन्जॉइंग. एक लवर बॉय का किरदार है, एक साइकोटिक साइकिक क्रेजी वो किरदार है. तो दो म्यूज़िक वीडियो में दो अलग अलग किरदार है. मैं गाऊँ ना, मैं इसलिए बोला था गा सकता हूँ ना. हाँ, आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार है? एक आशिक है जो हिंदुस्तान के हम सारे आशिकों को हमारा पहला प्यार नहीं मिलता, क्योंकि हम कुछ होते नहीं हैं. जब आदमी को पहला प्यार मिलता है तो लड़कियां थोड़ा सा घर वालों के हिसाब से पैसा ढूंढती है, ये ढूंढती है, सिक्योरिटी ढूंढती है, जो अच्छी भी बात है. फुकरों से कौन शादी करेगा, तो वो भी मेरे को फुकरा समझ के छोड़ के चली जाती है. और उसके बाद फिर मैं बड़ा आदमी बन जाता हूँ और उसके बाद सूट बूट में गाना गा रहा हूँ कि दिल में कहीं जो रह जाती है बातें कुछ अनकही, कैसी सजा है ये कैसी चुभन अब दिल मेरी सुनता नहीं, एक झलक मेरे दिलदार की ऐ खुदा मिल जो जाए कहीं, जिंदगी को बना लूं हसी. तो ऐसा कुछ बोल है. कुमार जी की आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं तो ऐसे ही गा दिया. टाइटल की बात करें, क्या नाम है? दर्द, जो मुझे भी आजकल बहुत हो रहा है दर्द. एक काफी अभी कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था, क्या एजाज जानबूझकर करते हैं या फिर अनजाने में हो जाता है? हमेशा सुर्खियों मने रहते हैं एजाज, ऐसा क्या है? एक ही लाइन में बोलूंगा, बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे और अच्छाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया. तो छोड़िए ना, आप भी जानते हैं आप मुझसे कितना प्यार करते हैं. आप बहुत ही अच्छे और सच्चे रिपोर्टर हैं, तो आपको तो सब पता ही है. खैर छोड़ो, इंसान नाम खुद कमाता है और बदनाम उसे लोग कर देते हैं. करने दो, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो फिर भी हुआ. और अल्लाह मेरे साथ है, मेरे फैंस मेरे साथ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, दुआएं मेरे साथ है. ये तो वो है कि बोले ना कि अभी सूरज नहीं डूबा, अभी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊँगा, मुझे नाकाम होने दो. और मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो, मैं खुद ही हो जाऊँगा बदनाम, मेरा नाम तो होने दो. शायरी में कितना काफ़ी मैं शायर लोगों का एक दर्द समझ गया. क्या दुनिया जो है ना, ये हमेशा तुमसे एक्सप्लेन करने का, इनको ना आप कैसे हो इनको बताते रहो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपने कुछ किया या नहीं किया, आपका दर्द क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, ये इनको नहीं पता होता. तो शायर जो है वो इनके सताए हुए लोग हैं. तो वो लोग ने एक चीज़ निकाली कि दुनिया वालों को और दुश्मनों को और चाहने वालों को सबको एक सेंटेंस में एक शायरी में पूरी बात कहो, समझने वाला समझ जाएगा, ना समझे वो नाड़ी है. समझे कि नहीं समझे? एक सवाल है, सलमान आपके काफ़ी करीब है और हमेशा आप उनकी तारीफ करते रहते, आज अगर सलमान की जो बात है उसके ऊपर क्या विचार है आपका? जो भी कंट्रोवर्सी यार, मैं 3 दिन से बहुत बीमार था और मैंने ये सुना और पूरी चीज़ें अभी चेंज भी हो गई. अभी इसमें मैं क्या बोलूँ यार, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? जो भी कंट्रोवर्सी हुआ है उसके बारे में क्या कहना है? देखो मैं तो यही कहूँगा कि स्लिप ऑफ टंग है. वही इंसान को आप देखे तो उसकी अच्छाइयों को देखिए कि उसी इंसान ने एक रास्ते की लड़की को, एक बिल्कुल रास्ते के जिसका कोई धर्म नहीं था, कोई मजहब नहीं था, उसको ला के घर पे रख के उसको एक राजाशाही लाइफ भी दे रहे. और कई ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी लाइफ उन्होंने बनाई है, कई लड़कियों की इंडस्ट्री में वो हेल्प करते हैं, ब्रेक दिलाते हैं. तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इंसान स्लिप ऑफ टंग हो गया है, गलती हो गई, उन्होंने सॉरी भी बोला है और सबने बोल दिया है, वो चीज़ ख़त्म हो गई है. पर उनकी अच्छाइयाँ देखो, उनकी अच्छाइयाँ देखो कि आज तक आप बताइए कि रास्ते से उठा के अपने घर में किसी ने किसी को नहीं लाया सुपरस्टार, ये लेके आए. अल्लाह इनको हमेशा खुश रखे और नागानी बलाओं से बचाए और मुझे सबसे ज़्यादा बचाए. थैंक यू. ऐसी चीज़ें तो एजाज भाई अक्सर बोलते हैं, कुछ ना कुछ रहते हैं, क्या ऐसी चीज़ों को मीडिया अवॉइड करती है, पिकअप करती है? भाई मीडिया देखो, एक आपने एक चीज़ देखी है,
मेरी माँ बचपन में मेरे को एक कहानी सुनाती थी कि वो एक ऐसा छोटा सा जानवर है, उसको पानी में फेंकेंगे ना तो छोटी छोटी मछलियाँ वाले चारों तरफ से आती है कर 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 कर, और वो जानवर को ऐसा खाती है वो कहाँ गया दिखता भी नहीं है। अरे यार मीडिया ने मेरे साथ भी, तो यार मैंने मीडिया के लिए सब कुछ ठीक किया, एक आम लड़की जिसको ना कोई जानता है झूठा मोबाइल में सलमान खान का भी बना के लाई, मेरा भी बना के लाई, किसी पेड मीडिया वाले को कुछ पैसे दिए और वो मीडिया ने चलाया, और उसके बाद वो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर। दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं, क्या क्या हो रहा है यार, लोग मर रहे हैं सीरिया में, पाकिस्तान में मर रहे हैं, हिंदुस्तान में पानी नहीं है, वहाँ पे महाराष्ट्र में फौजी मर रहे हैं इतने बड़े बड़े, वहाँ पे क्या नहीं हो रहा, बच्चे मर रहे हैं, अनाथ बच्चे, अनाथ आश्रम में दूध नहीं है, पानी नहीं है, और इनको एजाज खान के मैसेज की पड़ी है। यार नहीं यार, ये तो गलत है। मैं यही कहूँगा कि भाई मेरे दुश्मनों, मेरी किस्मत से जलना छोड़ दो, मैं घर से दवा नहीं माँ की दुआ लेके निकलता हूँ, और मेरी खुशियों के लिए भी दुआ मत करो क्योंकि मैं तो वो हूँ जो खुशियाँ भी बांट दिया करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए, ईद मुबारक हो सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत, और मेरे भाई बड़े खड़े छोटे बैठे, आलिम के फैसले, जालिम लोग कर रहे ले, सच्चे भूखे मर रहे और झूठे गुलगुले खा रहे, जागो इंडिया जागो। सर बात करें आज मूवी के बारे में, क्या कहना है?